आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, हिंदी में इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीडेशन में कोई एटम और आयन और मॉलिक्यूल या तो अपने प्रोटॉन का लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या तो वह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। यदि इनमें से कोई एक भी घटना होती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट को हिंदी में ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद रिड्यूस हो जाते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन को हिंदी में अपचयन कहते हैं। रिडक्शन में कोई एटम और आयन और मॉलिक्यूल या तो अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या प्रोटॉन को ग्रहण करता है या ऑक्सीजन का लॉस करता है। यदि इनमें से कोई भी घटना होती है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट और रिड्यूसर, रिड्यूसिंग एजेंट को अपचायक भी कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को तो रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए एक एटम ए अपना इलेक्ट्रॉन वी को देता है तो बी रिड्यूस हो जाता है और ए ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस प्रकार ए एक रिड्यूसिंग एजेंट है जबकि बी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट के बायोलॉजिकल एग्जांपल के रूप में माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को लेते हैं। यहाँ NADH और FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं इसलिए ये रिडक्टेंट हैं, जबकि O2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है इसलिए ये ऑक्सीडेंट है।